जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल डीएमडी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर को आप अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं, ये सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोजाना आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो जो बेस्ट लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप्स है या सॉफ्टवेयर, उसका नाम डीयू रिकॉर्डर है, जो कि आप फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप का ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है डीयू रिकॉर्डर। तो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा है, नहीं तो आप लोग ढूंढते रहेंगे और आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको सर्च करके और डाउनलोड करके और कैसे यूज करना है ये सब बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए। तो आप सर्च करेंगे डीयू रिकॉर्डर। जैसे ही मैंने डीयू रिकॉर्डर सर्च किया, आप देखेंगे आपके सामने इतनी सारी लिंक आएंगी। तो आपको करना कौन सी लिंक पे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको करना है डीयू रिकॉर्डर डीयू ऐप्स पे, जो डीयू रिकॉर्डर डीयू ऐप्स लिखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो आप लोगों के सामने डीयू रिकॉर्डर ओपन हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, गूगल प्ले के लिए करना चाहते हैं, ऐप स्टोर के लिए करना चाहते हैं, या पीसी वर्जन के लिए करना चाहते हैं, या एंड्रॉयड वर्जन के लिए। तो हमें तो पीसी वर्जन के लिए करना है, तो हम पीसी वर्जन के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने ये ऐप्स पहले से ही अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं आप करूँगा नहीं। तो आप जब पीसी वर्जन पे इंस्टॉल पहले क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको फिर जहाँ पे आपका ये डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाके इसे इंस्टॉल कर लेना है और परमिशन दे देना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मैं खोल के दिखाता हूँ इसे यूज कैसे करना है। इसे यूज करने के लिए आप अपने लैपटॉप में इसी को मैं खोल के दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन से ऐप्स हैं और इसे कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। अभी ओपन कर रहा हूँ ड्यू रिकॉर्डर। तो ये मैंने ड्यू रिकॉर्डर ये आप के सामने ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, फिर इसमें आपको कैसे यूज करना है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे मिनिमाइज करनी है, आपको सामने मैंने खोल के दिखाया। सबसे पहले हम सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये रिकॉर्डिंग है, यानी रिकॉर्डिंग आप ऑन कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो रिकॉर्डिंग के वीडियो है वो सारे वीडियो शो करेंगे। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, जितने भी आपके रिकॉर्ड किए हुए वीडियो हैं वो सब चलेंगे। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, आप अपने फ़ोन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो करप्ट कर देते हैं, चलते नहीं हैं। यहाँ पर से आप अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना सर्वर यूआरएल डालना है और यहाँ पे नेम स्ट्रीम नेम या की डालनी है। आपको बता दूँ, आप अपने चैनल के स्ट्रीम की किस और जो यूआरएल है वो किसी को ना बताएं, नहीं तो कोई भी आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करके कुछ भी डाल देगा और आपका चैनल बंद हो जाएगा। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रीमिंग कहाँ से करनी है, ब्राउजर से, कौन से ब्राउजर से, और यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आपको जो यूट्यूब का यूआरएल और स्ट्रीम यूआरएल वो मिलता है, वो मैं आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, बाद में बता दूंगा। यहाँ सेट कर सकते हैं कि स्टॉप रिकॉर्डिंग कैसे करना है। जैसे मैं सेट की हूँ कंट्रोल प्लस डी से, यहाँ पे एमबीपीएस सेट कर सकते हैं और जहाँ पे सेव होने है वो सेट कर सकते हैं, सब कुछ सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं, अगर आपका ब्राउजर कुछ दिक्कत कर रहा है तो जाकर आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ एक बार, जो मैंने बताया नहीं है कि आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग की यूआरएल, जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे, क्रिएटर स्टूडियो पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग पे जाएंगे, तो आप नीचे करके स्लाइड जाएं, स्लाइड करके नीचे जाएंगे तो वहीं पे आपके यूआरएल लिखा रहता है और की लिखा रहता है स्ट्रीम की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसे इंस्टॉल करके आप यूज कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद।